आज मैं आप लोग के साथ कच्चे आम का लौंजी, जिसे कहीं कहीं पर खटमिठिया भी बोलते हैं, उसी का रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूं। नमस्कार दोस्तों, पूजा फूड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहां पर हम सबसे पहले ले लेंगे कच्चे आम। अगर खटमिठिया बनाने के लिए दोस्तों अगर आप कच्चे आम ले रहे हैं ना, तो वो आम थोड़ा मीठा रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। उसमें आप चीनी और मीठा जो है कम लगेगा, और आम अगर खट्टा रहेगा तो चीनी या मीठा जो चीज़ भी आप डालते हैं उसका मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा आम को क्या करें ना, टेस्ट कर लें, ताकि आप चीनी और मीठा जो है अच्छे से डाल पाए। तो यहाँ पर मैं इस आम को कटिंग कर लेती हूँ। तो इसमें गुठली पड़ गया दोस्तों, तो ये चाकू से नहीं कटेगा, तो इसको मैं इस तरीके के से काट रही हूँ। हाथ को सावधान में रखते हुए आप इसको काटिए, और लंबा लंबा काटूँगी। और गुठली वाला जो खटमिठिया होता है ना दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगता है ना, इसको हम ऐसे ही काट लेते हैं। नहीं कटा रहा है तो देखिए, हम चाकू से भी काट रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इसी तरीके से हम सारे आम को काट लिए हैं। मैं जानबूझ के गुठली वाला ली हूँ, ताकि खाने में मज़ा आएगा। और इसको हम धो लिए हैं। धोने के बाद इसको छान लीजिए, और छानने के बाद ना आप इसको ना सूती कपड़ा से क्या करिए, पोंछ दीजिए, नहीं तो आप इसको धूप में डाल दीजिए या पंखा के नीचे रख दीजिए। इससे क्या होगा ना कि ये ज़्यादा लंबा टाइम तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। झटपट बनाइएगा तो जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, तो ऐसे चीज़ हो तो दोस्तों लगता है ना कि कुछ दिन रहे और इसका इंजॉय करें। इसी में मैं डाल देती हूँ हल्दी पाउडर। पहले ही आप हल्दी पाउडर डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद इसको धूप में या पंखे के नीचे आप आधा घंटा के लिए रख दीजिए। तो सारे को हम फैला देते हैं ऐसे ही और रख देते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि हम इसमें क्या क्या डालने वाले हैं। तो ये मेथी है और सौंफ है, इसको आप थोड़ा सा ना रोस्ट कर लीजिए। आप ना अगर इस तरीके का खटमिठिया बनाएंगे दोस्तों तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको भूंज करके हम पहले निकाल लेते हैं। खटमिठिया बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, और बड़े को तो पसंद आता ही आता है, क्योंकि मीठा होता है, खट्टा मीठा होता है, तो उनको लगता है कि जेम्स वगैरह हम खा रहे हैं। तो अच्छे से भुजा गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद उसको हम पीस लेंगे। उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। यहाँ तेल ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा ही लगता है। और मेथी और सौंफ का फ़ोरन देंगे। कभी आप मेथी और सौंफ का फ़ोरन वाला ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करके बना कर खाइएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और यहीं पर मैं सूखी मिर्ची भी डाल देती हूँ। आप इसमें सूखी मिर्ची डालेंगे तो काफ़ी सोंध सोंध लगेगा। वैसे आप हरा मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन सूखी मिर्ची वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। यहीं पर जो मैं आम रखी थी सूखने के लिए, वो मैं लाई हूँ पंखे के नीचे से, और इसमें हम डाल देंगे। इसको हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और इसको ढकेंगे नहीं, तो इसको हम खुले ही 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। पहले ही आप अगर हल्दी डाल देते हैं ना, हल्दी पाउडर, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है ये। और जो चीज़ देखने में अच्छा लगता है, उस वो चीज़ खाने का भी दोस्तों मन करता है। और यहीं पर मैं डाल देती हूँ नमक। बोलते हैं ना खटमिठिया, खट्टा मीठा तीखा सब होना चाहिए। और यहीं पर मैं डाल देती हूँ चीनी। आप चाहे तो चीनी की जगह पर आप मीठा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ। और यहाँ हम पानी डाल देंगे, आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा है। ज़्यादा पानी नहीं डालें, क्योंकि चीनी जो है खुद वो चाशनी बन जाएगा, पाक बन जाएगा। इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, और इसको ना मीडियम आंच पर आप 2-3 मिनट के लिए पकाएं। और इसको हम थोड़ा देर के लिए ढक दिए हैं दोस्तों। और ये देखिए कितना अच्छा ये चीनी जो है घुल गया है। और घुलने के बाद इसको हम चेक कर लेते हैं पका है कि नहीं। तो ये बहुत जल्दी पक जाता है, देखिए काफ़ी अच्छा सॉफ्ट भी हो गया है। तो यहीं पर जो हम मेथी और सौंफ जो भूजे थे ना, उसी का पाउडर बना लिए हैं। और पाउडर बनाने के बाद इसके ऊपर से हम डाल देंगे। बस इसको डाल करके 1 मिनट तक मीडियम आंच पर इसको हम पका लेंगे। और थोड़ा सा ये लग रहा है ना कि पानी पानी जैसा, बाद में ये दोस्तों गाढ़ा हो जाता है, इसलिए इतना ग्रेवी ठीक है। और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है खटमिठिया, खट्टा मीठा तीखा, बच्चों को पसंद, बड़ों को पसंद आने वाली ये रेसिपी है। और अभी कच्चा आम का सीज़न चल रहा है दोस्तों। आम कभी भी लें खटमिठिया के लिए तो थोड़ा सा मीठा ही लें, कि आपको चीनी का मात्रा जो है कम डालना पड़ेगा। आप इसको महीनों दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं।
और फ्रिज में रख दीजिएगा तो जो ग्रेवी है काफ़ी अच्छा जेम्स जैसा जमकर रेडी हो जाएगा। तो आप भी खटमिटिया खाइए और इन्जॉय करिए, अभी आम का भरपूर सीजन चल रहा है। तो ऐसे सीजन में दोस्तों हमें सीजन का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।